देश भर में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को हटाकर 3 नए कानून लागू किए गए। नए बनाए कानून के बारे में जावरा सिटी थाने पर आमजन के साथ ही पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें रतलाम एडिशनल एसपी राकेश खाखा के साथ जावरा सीएसपी दुर्गेश आर्मो और थाना प्रभारी द्वारा नए 3 कानून के बारे में विस्तार से सभी से चर्चा कर जानकारी दी। चर्चा से पूर्व एडिशनल एसपी राकेश खाखा और जावरा सीएसपी दुर्गेश आर्मो द्वारा पुलिस थाना प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। एडिशनल एसपी खाखा और सीएसपी आर्मो द्वारा बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इन 3 नए कानून से पूर्व में जो परेशानियां आमजन को हो रही थी वह समाप्त होंगी। नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे, लंबी तारीखों से निजात मिलेगी। वहीं नए कानून में जहां वारदात होती है और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी, वहीं ऑनलाइन FIR SMS के माध्यम से समन भेजना रहेगा। इस अवसर पर एडिशनल SP राकेश खाखा, जावरा CSP दुर्गेश आर्मो के साथ जावरा शहर थाना प्रभारी और जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकार मौजूद रहे। सर, आज जो सेमिनार लगा है, आज एक ऐतिहासिक दिन है। 3 जो कानून है, नए कानून जो है आज लागू हुए हैं। पूर्व में जो कानून थे उनको परिवर्तित करके नया कानून लागू हो गया है। इसमें जनमानस को जागरूक करने हेतु और इस कानून के बारे में बताने हेतु ये सेमिनार पूरे जिले में रखा गया है, ताकि जनमानस भी इससे अवगत हो कि इसमें पूर्व में दंड की इसमें प्रक्रिया थी, इसमें न्याय की प्रक्रिया है। इन सब चीज़ों को लेकर इस नए कानून को हम स्वागत भी करते हैं और सब लोगों को ये बताते हैं कि इस नए कानून के तहत जितने भी प्रावधान हैं उसमें उनको, अगर वो सरसरी तौर पर उसको देखेंगे या उसका अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो खुद को भी बताएं और अपने आसपास जो पड़ोसी हैं लोगों को उनको भी जागरूक करें। तो ये सेमिनार है सभी जनमानस को जागरूक करने का इस अभियान के तहत। धन्यवाद। जय हिंद। प्रावधान है? हाँ, इसमें प्रावधान है। सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी जो है इसके तहत लिया गया है और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बहुत सरल किया गया है हर प्रक्रियाओं को। आपको लगता है कि कानून बनने से पुलिस को और न्यायपालिका को काफी तत्परता प्राप्त होगी और त्वरित न्याय प्राप्त होगा? नहीं, इसमें जो है पूर्व में जिस तरह के लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया में विलम्ब है, परंतु इस अधिनियम, इस नया कानून से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है से बहुत सरल और सहज और ऐसा बनाया गया है जिसमें त्वरित न्याय मिलने की पूरी संभावना है। इसमें ये भी प्रावधान है कि 3 दिन में शिकायत करने पर मामला दर्ज होगा? हाँ, इसमें जो है EFIR का प्रावधान भी है, जो कि बहुत अच्छी प्रक्रिया जिसको कानूनी रूप दिया गया है। तो इसमें भी ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसमें EFIR लोग थानों में आने के लिए जो है आवश्यकता ना होकर वो व्यक्ति EFIR करके 3 दिन बाद जो है वो आके यहाँ जब भी उसको सुविधाजनक हो उपस्थित होकर अपनी बात अपने सामने रख सकता है। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।